वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि रीना ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है गाइस। और सबसे पहले आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज हम आए हैं रायगढ़ के रानी महल और यहाँ व्यू आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं हम यहाँ अब प्रवेश करने वाले हैं इस महल के अंदर और देख सकते हैं पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है। और जो मुख्य द्वार है इस तरीके से बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में, और उस समय कितना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है आप लोग समझ ही सकते हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए हम अंदर की ओर आपको दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ से हम अंदर की ओर जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं एक बहुत बड़ा हॉल इस टाइप से बना हुआ है, ये देख सकते हैं। और हॉल के अंदर भी एक रूम बना है इधर, और ऊपर साइड देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया था। ये देखिए ये हॉल के साइड में एक ऐसे रूम बनाया गया है, और इस रूम के अंदर से गाइस ये देख सकते हैं ये लोहे का है अभी भी बना हुआ है। और इस रूम के अंदर मैं ये बोल रहा था तीन चार खिड़की बना हुआ है, मतलब कि जो भी पहरेदार हैं, जो भी वो थे, क्या बोलना चाहिए कि जितने भी सिपाही थे वो लोग यहाँ से शायद उस समय देखने के लिए ये बनाए गए थे, मतलब कि दुश्मनों को चारों तरफ से देखने के लिए इसको बनाया गया था। उस समय की बात कुछ अलग ही होगा। और उसके बाद देख सकते हैं अब अंदर की ओर आपको दिखा रहे हैं इस टाइप से, जो मैं अभी फर्स्ट रूम में जैसे घुसा हूँ ऐसे चार रूम आजू बाजू में बनाया गया है। और देख सकते हैं ये बहुत बड़ा हॉल है, ये बीच में हॉल था, फिर इसके बगल में हम आपको दिखा रहे हैं ये देखिए हॉल के बाद एक रूम आगे भी है। आप लोग देखते रहिए इस वीडियो में उस समय कितना बेहतरीन तरीके से बनाया गया था। और मेरे साथ तिलक आए हुए हैं, और ऊपर देख सकते हैं पूरा छड़ निकला हुआ है। आप लोग इधर जैसे घूमने के लिए आते हैं तो आप लोग देख कर आइए, क्योंकि छड़ किसी को भी लग सकता है, ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम अंदर की ओर आ गए हैं। अब देखिए इस टाइप से बनाया गया था उस समय, जो कि ये अभी खंडहर में तब्दील हो गया है। और कहा जाता है कि गाइस राजा शिकार करने के लिए यहीं आते थे। और हम इसका ऊपर का भाग भी इस वीडियो में बताएंगे कि ऊपर में किस टाइप से बना हुआ था, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप लोग कमेंट करिए आप लोग ऐसे कितने लोग हैं जो रायगढ़ में रहते हैं और इस रानी महल को अभी तक नहीं देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो गाइस आप लोग यहाँ घूमने के लिए एक बार ज़रूर आइए, क्योंकि ये कृषि महाविद्यालय है, उसके जस्ट बगल में रानी महल है, ठीक है। और ये कृषि महाविद्यालय जो इंदिरा विहार है उसके आगे में ये रानी महल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हैं ये बहुत बड़ा टंकी पीछे साइड बनाया गया था उस समय, ये देख सकते हैं ये शायद टंकी ही था उस समय, इतना बड़ा बनाया गया था, देख सकते हैं बहुत बड़ा टंकी बनाया गया था मेरे ख्याल से। और हम इस महल के पीछे की ओर आए हैं, और पीछे से इसका नज़ारा इस तरीके से दिख रहा है, देख सकते हैं। हम ऊपर जाकर भी आपको बताएंगे इसका व्यू, इस वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लग रहा है तो गाइस इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि गाइस यहाँ से एक गुफा है, ठीक है गाइस, मतलब कि इस महल के अंदर एक गुफा बना हुआ है, एक जो कि सुरंग आप बोल सकते हैं, देख सकते हैं सुरंग को हम आगे जाकर दिखा रहे हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं ये सुरंग बना हुआ है, और कहा जाता है कि ये राजा का गुप्त सुरंग था, ठीक है। तो मतलब कि इसके अंदर से ही राजा अपने जो मोती महल है वहाँ से आते थे इस सुरंग के द्वारा, ऐसे कहा जाता है, हम तो पूरा जान ही नहीं रहे हैं। और देख सकते हैं अभी पूरा इसमें मिट्टी से पटा गया है, तो आगे जा नहीं सकते ना देख नहीं सकते, बस इतना ही दूर तक हमको दिखाई दे रहा है जो इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस यहाँ बनाया गया है, और हम इसके बाद आप लोगों को आगे ऊपर की ओर ले चलते हैं और दिखाएंगे
ये देख सकते हैं हम लोग अब गुफा के अंदर से हम बाहर की ओर जा रहे हैं। ये गुप्त रूप गुफा जो रानी महल में बनाया गया था, अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। अब ऊपर की ओर आपको बताएंगे यहाँ का नज़ारा आपको कैसे देखने के लिए मतलब कि मिलेगा। तो चलिए, और इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। आप लोगों को कैसे लग रहा है कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। और ये जो महल है गाइस पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है और अभी बहुत ज़्यादा इसमें गंदा भी हो गया है। ठीक है, देख सकते हैं ये ऊपर का नज़ारा है। ये देखिए हम इधर से आए हैं। ठीक है, अब आपको ऊपर का थोड़ा नज़ारा दिखा रहे हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग एक बार यहाँ घूमने के लिए ज़रूर आइए। और इस महल के बारे में आप लोग कितना जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइए। जैसे कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि जैसे इस महल के बारे में कहीं हम बुक में भी अगर पढ़ते हैं तो बुक्स में पढ़ने के से अच्छा है कि हम इस महल के पास आकर देखें, इस महल को जानें, ताकि हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और जो चीज़ वास्तविक देखेंगे गाइस वो ज़्यादा दिन तक हमारे दिमाग में याद रहता है। और अगर रायगढ़ में रहते हैं गाइस और ये महल देखने नहीं आए हैं तो आप लोगों को ज़रूर एक बार आना चाहिए और जानना चाहिए कि हमारे जो इतिहास के पन्नों में छपे हुए जो रानी महल के बारे में आप पढ़े हुए हैं उसको आप वास्तविकता के साथ देखते हैं तो कितना मतलब कि आपको जानने के लिए मिलेगा आप लोगों को, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो एक बार आप लोग ज़रूर आइए घूमने के लिए। सकते हैं इस टाइप से बनाया गया था तो ऊपर से भी पूरा दूर दूर तक दिखाई देता है। अगर मान लीजिए तीन सिपाही अगर यहाँ भी खड़े होते हैं तो एक न एक जने को तो दूर का नज़ारा या कुछ भी कुछ घटना या कोई आते रहता है तो वो तो ज़रूर दिखाई देगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहा है गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये है पूरा, देख सकते हैं पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है। ऊपर में भी वैसे ही रूम बनाया गया है जो नीचे में बनाया गया था, ये देख सकते हैं। और बहुत ही खंडहर में तब्दील हो चुका है ये महल। और मेरे साथ तिलक हैं और बहुत अच्छा लगा हम लोग दोनों यहाँ आए हुए हैं देखने के लिए। तो एक बार आप लोग भी इधर घूमने के लिए ज़रूर आइए। देख सकते हैं ऊपर का नज़ारा है ये। ऊपर में भी वही लोहे का इस्तेमाल किया गया है जो मोती महल में किया गया था। ये भी देख सकते हैं इधर से भी एक रास्ता है। और अभी भी जो उस समय ईंट लगा हुआ है वो भी पूरा दिखाई दे रहा है इस तरीके से। उस समय का सीमेंट वगैरह सब आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें। देख सकते हैं इसका ईंट भी हम निकाल रहे हैं तो नहीं निकल रहा है। बहुत ही मतलब कि मजबूती के साथ बनाया गया था इस महल को। तो गाइस देख सकते हैं हम निकालते हैं निकाल रहे हैं फिर भी नहीं निकल रहा है। और हम आगे की ओर आपको इस वीडियो में बताते हुए, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। तो गाइस आप लोग ऐसे कितने लोग हैं जो कि यहाँ आना पसंद करेंगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। देख सकते हैं ऊपर में भी वही खिड़की, इस टाइप से छोटा छोटा खिड़की बनाया गया है मतलब कि हर कमरा में बनाया गया है। और कई लोग यहाँ आए हैं तो अपना नाम छाप कर गए हैं भाई संजू, बाप रे बहुत बढ़िया काम किए हो जी आप लोग। ऐसे भाई कहीं भी जाते हो तो अपना नाम मत छोड़ा करो, आप तो पता नहीं क्या समझ के रखते हैं अपने आप को, ऐसे आप लोग लिख के चले जाते हैं भाई साहब लोग। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी ना करें, कई लोग आते हैं उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और मंदिरों में भी अक्सर देखने के लिए मिलता है कि कई लोग अपना नाम छाप के आ जाते हैं। तो भाई लोग आप लोग पढ़े लिखे होकर भी ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्योंकि कई लोग बाहर से आते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ऊपर की नीचे से ऊपर की साइड आए हैं और ये देख सकते हैं जो नीचे में था वैसे ही टाइप से ऊपर में भी बनाया गया है और चारों साइड इस तरीके से खिड़की बनाया गया है। शायद उस समय खिड़की तो इसमें दरवाज़ा लगा नहीं था, बस खिड़की का जो वो था वही है। और ये ऊपर का है, ये सामने साइड है। ठीक है, ये देख सकते हैं लेफ्ट राइट में दोनों इस तरीके से रूम बनाया गया है। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये सामने साइड है, देख सकते हैं ये सामने साइड का वो है ऊपर का छत है। ये छत की ओर हम जाते हुए
और देख सकते हैं हम यहाँ से नीचे आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है, ये इधर इमली का पेड़ है ना, तो नीचे से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी ऊपर से दूर दूर तक दिखाई देता था। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस महल को बनाया गया था, और मैं आया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी यहाँ आना चाहते हैं तो आप लोग बेफिक्र होकर आइए, और ध्यान रहे आप लोग अपने साथ अपने परिजनों को साथ में लेकर आएँ, और क्योंकि ये जगह थोड़ा सूना रहता है इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, फिर ऐसे ही अगले वीडियो आप लोगों के लेकर आने वाले हैं। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल की घंटी दबाइए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। और इस दीवार में जितने भी नाम हैं मैं उन लोगों से स्पेशल बोल रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।